पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी दो बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नरक बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी, राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे, चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहा हो तुम, जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी।
पार्टी में क्यों नहीं जा सकते? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एक तक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे लाकर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों के चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वही छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वही छूट गया
और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य के सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था, और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंगात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है, राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला। आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसल कर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे।